लियाकत साहब मुझे बताइएगा कि सबसे बुरा एंकर कौन सा लगता है आपको? हामिद मीर, मंसूर अली मुझे अच्छे नहीं लगते। सबसे बुरा एंकर मुझे शाहजेब खान ज़्यादा लगता है। ऑलमोस्ट सब। हामिद मीर जी होगा। मुबशर लुकमान। मंसूर अली खान। हामिद मीर। मुझे मुबशर लुकमान साहब लगते हैं और दूसरे नंबर पर डॉक्टर शाहिद हुसैन साहब हैं। तो ये दो पर्सन हैं जिनको देख के मैं फौरन से टीवी का चैनल चेंज कर लेता हूँ। असल में अगर पूछे तो हामिद मीर का ही कहूँगा कि वो मुझे पसंद नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ियम के साथ मैं हूँ मरियम शेख और आज हम बात करेंगे एंकर्स के हवाले से, जो सहाफ़ी हैं उनके हवाले से। हमारी जितनी भी आवाम है इन सब की जो राय है अलग अलग होती है। आज हम इनसे जानेंगे कि इनको सबसे ज़्यादा कौन सा एंकर जो है वो बुरा लगता है, जिसकी बातें जो है वो झूठ होती हैं, झूठ पर मबनी होती हैं, इनको बुरा लगता है और क्यों लगता है, और कौन सा एंकर है जो इन्हें पसंद लगता है। जी बिल्कुल, आज हम इसे बात करने के लिए इस वक्त बरकत मार्केट में मौजूद हैं और लोगों से बातचीत करेंगे। साथ रहिए और देखते रहिए लोगों का क्या कहना है इस हवाले से। आफ्ताब मुझे बताएगा एंकर्स में से सबसे बुरा एंकर कौन सा लगता है आपको और क्यों? मुझे मुबशर लुकमान साहब लगते हैं क्योंकि एक तो उनकी जो बातें वो हवाई बातें करते हैं और दूसरे नंबर पर डॉक्टर शाहिद हुसैन साहब हैं। उनकी आप जब उनका इंटरव्यू सुनें या उनकी बात सुनें तो आपको लगता है कि अगले लम्हे ही ना बाहर निकलेंगे तो क्यामत आने वाली होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये दो पर्सन हैं जिनको देख के मैं फौरन से टीवी का चैनल चेंज कर लेता हूँ। असल में अगर पूछे तो हामिद मीर का ही कहूँगा कि वो मुझे पसंद नहीं है। थोड़ा सा जो ना मुझे एंटी लगता है उनकी, मतलब नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है उससे, लेकिन थोड़ा सा मुझे एंटी लगता है। मुझे बुरा एंकर वैसे तो हर वो एंकर जो मेरा ख्याल है कि अच्छी चीज़ सोसाइटी की पोर्ट्रे ना कर रहा हो, मुझे बुरा लगता है। लेकिन मंसूर अली मुझे अच्छे नहीं लगते। क्यों नहीं अच्छा लगता? वो मुझे लगता है कि बाज़ औक़ात उनकी फॉलोइंग बहुत अच्छी है, लेकिन समटाइम ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो सोसाइटी के लिए अच्छी ना हो, वो समटाइम अगर डिस्प्ले करते हैं तो लोगों पे उसका इंप्रेशन गलत जाता है। उसामा बताओ कौन सा एंकर बुरा लगता है? ऑलमोस्ट सब। सारे क्यों लगते हैं? क्योंकि उन्होंने काम बनाया है लोगों को उल्लू बनाने का। एंकर्स उल्लू बनाते हैं? बिल्कुल। आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि हम लोग वो देखते हैं जो मीडिया हमें दिखाता है। बेसिक फैक्ट्स कुछ और होते हैं, जो हमें मीडिया पर्सन बताता है, एंकर पर्सन बताता है, हम उसी पे ट्रस्ट करते हैं, उसी के हिसाब से हम अपने अंदाजे लगाते हैं, उसी के हिसाब से हम अगले के पॉलिटिशियन को जज करते हैं। इसी तरह इन्होंने उल्लू बनाया सबको। सबसे बुरा एंकर मुझे शाहजेब खान ज़्यादा लगता है। वजह वो मेरे वो, क्योंकि चैनल मुझे पसंद नहीं है जिस चैनल पे वो बैठता है, और जो एक्टिंग वो करता है वो सबसे बोर एक्टिंग है। अच्छा, तो आप परफॉर्मेंस देखते हैं, एक्टिंग देखते हैं? एक्टिंग, अब सारे एंकर एक्टिंग के लिए बैठे हैं या लिफाफे के लिए बैठे हैं या एक्टिंग के लिए बैठे हैं? हामिद मीर क्यों बुरे लगते हैं आपको? बुरा लगता है कि आप बस चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको पब्लिकली मेरे ख्याल में बस जो एटलीस्ट जो आपके मुल्क से रिलेटेड जो है ना बस ऐसी चीज़ें हैं वो आपको पब्लिक में ना डिस्कस करनी चाहिए और ना इस तरह की चैनल पे लाना चाहिए। इस तरह की चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप जो है ना फिर बात चीज़ें ऐसी आपको फील होती हैं कि नहीं ये पता नहीं ये मुल्क के साथ पता नहीं सिंसियर हैं भी या नहीं है, ये चीज़ें अदरवाइज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी बिल्कुल, जैसा कि बहुत सारे लोग हैं जो यही कह रहे हैं कि उनको हामिद मीर नहीं पसंद, क्यों नहीं पसंद वो भी साथ साथ बता रहे हैं, और भी लोग उसे जानते हैं, उनका क्या कहना है आइए। आपको कौन सा एंकर जो है वो बुरा लगता है? वो मेरे दोस्त ही है, उसका भाई है हामिद मीर। वो जो ये कि वो अब उसने पहले वो काम कर रहा था सहाफत के और उस पर काम कर रहा था, अब वो सियासत पे काम कर रहा है और वो सपोर्ट कर रहा है गलत चीज़ों को, जिसकी वजह से वो मुझे बुरा लगना शुरू हो गया। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ हामिद मीर साहब को क्यों बुरे लगते हैं? क्योंकि वो ज़्यादातर ना लोगों की साइड लेते हैं, नूपी पीएमएलएन की ले ली, पीटीआई, जो जहाँ पे उनको ज्यादा झुकाव होता है ना उधर चले जाते हैं। जफियास मुझे बताइएगा कि आपको सबसे बुरा एंकर कौन सा लगता है और क्यों लगता है? हामिद मीर जी होगा। क्यों लगते हैं? उनकी खबरों में कोई सदाकत नहीं होती, सारी झूठ पे मबनी होती हैं। हामिद मीर भी बिल्कुल नाज़रीन, इनका कहना है कि इनको भी हामिद मीर पसंद नहीं है क्योंकि उनकी खबरों में कोई सदाकत ही नहीं है। बाकी लोगों का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं हमारे साथ। मुबशर लुकमान। क्यों बुरा लगता है? उनका जो बातें करता है वो अच्छी लगता है। अच्छी नहीं लगती? क्यों नहीं अच्छी लगती? अच्छी नहीं लगती। हसन बताएगा कौन सा एंकर बुरा लगता है? मंसूर अली खान। क्यों बुरा लगता है?
बस उनकी बातें कोई अच्छी ऐसी सॉलिड बातें नहीं होती जो वो करते हैं। वो हामिद मीर। हामिद मीर क्यों, वो क्यों बड़े लगते हैं? बस वो हर मामले में इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। उन्होंने ये देखे ना हमारी आई है सही, उनको भी थोड़ा सा कह, लेकिन हर बंदे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना माइंड होता है। लेकिन देखे ना जो हमारी मुल्क का जो सेटअप हमारा सारा संभाला हुआ उन्होंने, जिनके बेस पर हम घर में आराम सुकून से लेट सकते हैं, खा सकते हैं, इधर उधर फिर सकते हैं, उनको बुरा कहना तो ये अपने मुल्क के साथ जाती में। अच्छा अली मुझे बताएगा आपको कौन सा एंकर बुरा लगता है और क्यों लगता है? एंकर्स तकरीबन 50% से ज़्यादा जो है झूठी है सारा, सॉरी टू से आपके मुंह पे कह रहा हूँ। देखें पिछले दिनों में चला था तारिक जमील साहब हैं हमारे नेक अल्लाह के बंदे हैं, उनके खिलाफ इतनी उन्होंने बातें और ये वो, उल्टा उन्होंने आके एक्सक्यूज़ किया, माफ़ी मांगी। अल्लाह के बंदा, अल्लाह के बंदे से माफ़ी मंगवा रहे हो यार, खुदा का खौफ करो, और उसको बुरा भला कह रहे हो, तो ये बात बहुत बुरी लगी मुझे, काफ़ी आवाम को भी लगी। तो ये चीज़ मुझे बस इसका मैं कहना था न्यूज़ पे आके। अच्छा अशफाक साहब मुझे बताएगा आपको सबसे ज़्यादा पसंदीदार एंकर कौन सा? काशिफ आबादी। मुझे मुबशर रहमान अच्छा लगता है। शाहजेब वाला। इरशाद भट्टी साहब हैं जो एयरवाइज न्यूज़ पे बैठते हैं। जुनैद मुझे बताएगा कि कौन सा एंकर आपको पसंद है? हामिद मीर। वसीम बदामी। हामिद मीर साहब तो बहुत अच्छे हैं। बुरा एंकर नहीं, एक्चुअली हर एंकर में कोई ना कोई खूबी होती है जिसकी वजह से वो स्क्रीन पे मौजूद होता है। इमरान खान और अरशाद भट्टी। हमारी नज़रों में तो हामिद मीर साहब अच्छे हैं। सारे अच्छे। अच्छा अशफाक साहब मुझे बताएगा आपको सबसे ज़्यादा पसंदीदार एंकर कौन सा? काशिफ आबादी। क्यों पसंद है आपको? वो थोड़ा सा प्रिसाइज बोलता है और उसका जो बॉडी लैंग्वेज वो मुझे बड़ी पसंद है। सीधी सी बात है, तो खरी बात करता है और छोटी बात करता है, मुख्तसर बात। मुझे मुबशर रहमान अच्छा लगता है। मुबशर रहमान क्यों अच्छे लगते हैं आपको? उनके व्यूज़ जो होते हैं ना काफ़ी डीपली वो हर चीज़ को देखते हैं और पेश करते हैं। आरिफ हुसैन साहब बताइएगा कि कौन सा एंकर आपको पसंद लगता है? शाहजेब वाला। शाहजेब खान ज़्यादा, वो आपको क्यों अच्छे लगते हैं? वो अच्छे लगते हैं, वो सच की बात करता है। अच्छा आप उनका प्रोग्राम देखते हैं? देखते हैं डेली। आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? ज़्यादा पसंद है। मेरे फेवरेट एंकर इरशाद भट्टी साहब हैं जो एयरवाइज न्यूज़ पे बैठते हैं। अच्छा जी, इरशाद भट्टी साहब आपको क्यों पसंद लगते हैं? वो हक और सच की बात करते हैं, कम से कम वो लफाफा एंकर नहीं है। जुनैद मुझे बताएगा कि कौन सा एंकर आपको पसंद है? हामिद मीर। हामिद मीर साहब आपको पसंद है, क्यों पसंद है? बस हर जगह पहुँच जाते हैं, वो कोई ना कोई खबर ढूंढ के निकाल लेते हैं। अच्छा जी ठीक है, थैंक यू सो मच। जिनाजरी बिल्कुल इनका कहना है कि इनको हामिद मीर पसंद है क्योंकि वो हर जगह पहुंच जाते हैं और कोई ना कोई खबर ढूंढ के सामने रख ही देते हैं। वसीम बदामी। वसीम बदामी क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि वो अच्छे हैं। मलिक साहब बताइएगा कौन सा एंकर बुरा है और कौन सा अच्छा है? देखिए जी एंकर तो काफ़ी सारे अच्छे हैं, लेकिन जो ना हामिद मीर साहब तो बहुत अच्छे एंकर हैं। क्यों अच्छे लगते हैं आप? बस उनकी लैंग्वेज गुफ्तगू और उनका बोलने का अंदाज़, उनकी बातों में बहुत ज़्यादा अच्छाई नज़र आती है। बाकी एंकर हैं उनमें कोई इतनी ज़्यादा अच्छाई नज़र नहीं आती। बुरा एंकर नहीं, एक्चुअली हर एंकर में कोई ना कोई खूबी होती है जिसकी वजह से वो स्क्रीन पे मौजूद होता है। तो बुरा तो मैं खैर किसी को नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप बेस्टेस की बात करें तो जुनेद जियो का एक ऐसा एंकर है, मीन्स कि आपने अगर उसको कभी भी खबर पढ़ते हुए सुना हो तो आप देखेंगी कि जितनी मर्जी ब्रेकिंग हो उसने कभी वो चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, और उसकी प्रोनंसिएशन। और अगर आप उससे भी ऊपर जाते हैं तो फिर तारिक मतीन साहब, एंड थिंक सो ही इज़ द बेस्टेस्ट एवर। तारिक मतीन साहब। इमरान खान और अरशाद भट्टी। क्यों पसंद है? क्योंकि वो बिल्कुल ऑथेंटिक बातें करते हैं, वो कोई छोड़ते नहीं है। जब इमरान खान है वो बिल्कुल जो बात करता है वो ऑथेंटिक करता है और बिल्कुल पॉइंट करता है, और जो अरशाद भट्टी है वो तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड करता है ना, उसका तो कोई इशू नहीं है। इसीलिए पसंद। जी इसीलिए पसंद है। आशिफ बताइएगा कौन सा एंकर अच्छा और कौन सा बुरा है? हमारी नज़रों में तो हामिद मीर साहब अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? लेकिन वो इसलिए अच्छे हैं, वो सबको देख के और अच्छी बात करते हैं। किसी के जो बात करने वाली होती है ना वही बात करते हैं, किसी के खिलाफ या ऐसी बात नहीं होती कि वो बात ना करें। हामिद मीर जी बहुत अच्छे एंकर है। किस लिहाज से? बातचीत भी अच्छी है उनकी और सवाल जवाब भी सही करते हैं वो। बुरा तो फिलहाल कोई नहीं लगता, वसीम बदामी मेरा फेवरेट एंकर है। क्यों अच्छे लगते हैं? उसके बात करने का अंदाज़, उसके लोगों के साथ बात करने का इंटरव्यू देता है तो अच्छा लगता है। वो ज़्यादा एआरवाई पे शो करता है, उस वजह से उसको ज़्यादा फॉलो किया जाता है। साजिद मुझे बताएगा कि आपको कौन सा न्यूज़ एंकर पसंद है और कौन सा नहीं पसंद? इतना टाइम ही नहीं देखने का लगता कोई भी न्यूज़ में। पसंद नहीं पसंद क्यों? 42 अच्छा लगता है, इनकी खबरें अच्छी होती हैं। लाहौर न्यूज़ के सभी एंकर जो है ना वो ज़्यादातर अच्छे हैं। क्यों, किस लिहाज से? वो मसलन के
जो उनकी न्यूज़ वगैरह होती है वो इस वजह से वो हकीकत ही बयान करते हैं। जो भी मसलन के न्यूज़ है वो ये नहीं करते कि आधा कुछ हो रहा है लेक्चर और आधा कुछ हो रहा है। उन्होंने जो भी लेक्चर उन्होंने देना होता है वो उसी टॉपिक के मुताबिक देना। इस वजह से लाहौर न्यूज़ के जो एंकर हैं ना वो ज़्यादा अच्छे हैं, और दुनिया न्यूज़ के हैं वो कुछ उसमें हैं जो बुरे हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं। अकबूल साहब दसो कि तुहानू एंकर किहड़ा पसंद लगता है, किहड़ा चंगा लगता है? मेरे हिसाब नाल ते जितने भी मतलब साढ़े टी वी चैनल है सारे माशाल्लाह अच्छे लगते हैं। एंकर तो खैर माशाल्लाह सारे अच्छे हैं, लाहौर चैनल के भी अच्छे हैं, और जो अपना जियो वाले हैं हमद मीर साहब तो वो ज़बरदस्त है, वो भी नांदा, उनकी भी वो क्यों अच्छे लगते हैं आप? वो बात सही करते हैं जो बिल्कुल, जैसा कि पब्लिक ओपिनियन मैंने आपके सामने रखी, लोगों ने बताया उनको कौन से एंकर ना पसंदीदा है और क्यों है, आपने जाना। और इसी तरह की मज़ीद बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा, और मेरा चैनल म्यूज़ियम सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।